तो भाई लोग कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपको इस नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपको इस नए साल में हल्दी वाला दूध और काढ़ा ना पीना पड़े, आप ऐसे ही स्वस्थ और सुरक्षित रहे मैं ऐसी कामना करता हूं। तो आज मैं आप लोगों को तुर्किश ड्रामा पर बेस्ड 5 सबसे ज्यादा देखे या पसंद किए गए वेब सीरीज के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक कोई तुर्किश ड्रामा वेब सीरीज नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं, या अगर आपने देखा है और आप कोई दूसरी अच्छी वेब सीरीज ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगी। बस आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिर चलिए नए साल की इस पहली वीडियो में आगे बढ़ा जाए। हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पर है माय होम माय डेस्टिनी। ये एक तुर्किश ड्रामा रोमांस वेब सीरीज है, जो कहानी है जैनब और मेहंदी की। दोनों का ही बचपन बहुत ही कठिन और संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में गुजरा है, और वो बचपन में बने घाव जो वर्षों बाद भी उनकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। यह वेब सीरीज उन्हीं के स्ट्रगल्स, फैमिली प्रॉब्लम और उनके लव लाइफ को दिखाती है, जिसे बहुत ही अच्छी तरह से इस शो में दिखाया गया है। अगर आप एक ऐसी वेब सीरीज देखना चाहते हैं जिसमें अच्छा फैमिली ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी और जो आपको पूरी तरह से एंगेज रखे, तो ये तुर्किश ड्रामा वेब सीरीज आप जरूर देख सकते हैं। यह वेब सीरीज जिसमें 40 से 50 मिनट के टोटल 138 एपिसोड्स हैं। अगर आप एक अच्छी और लंबी चलने वाली वेब सीरीज देखना चाहते हैं, तो आप इसे MX प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं। हमारे लिस्ट में 4th नंबर पर है द प्रॉमिस। यह एक ड्रामा रोमांस पर बेस्ड वेब सीरीज है, जो कहानी है गांव की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रेहान की, जो अपने माँ की मौत के बाद बिल्कुल अकेली हो जाती है, और उसकी लाइफ में आगे क्या बदलाव आता है और कैसे उसकी लाइफ एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है, यही इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया गया है। इस वेब सीरीज की कहानी को कम शब्दों में समझा पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसकी स्टोरी में आपको बहुत सारे पहलू देखने को मिलते हैं, पर एक बात जो इस सीरीज में बरकरार रहती है वो है इसमें दिखाया गया रोमांस, जो आपको काफी पसंद आएगा। और जैसा कि तुर्किश ड्रामा आप एक या दो दिन में नहीं देख सकते, और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वेब सीरीज में 3 सीजन्स हैं और जिसमें टोटल 368 एपिसोड्स हैं। तो अगर आप आराम से कोई वेब सीरीज देखना चाहते हैं जिसमें अच्छा ड्रामा और रोमांस देखने को मिले, तो आप इसे MX प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं, आपको यह पसंद आएगी। हमारे लिस्ट में 3rd नंबर पर है डे ड्रीमर। यह एक ड्रामा रोमांस पर बेस्ड वेब सीरीज है, जिसे दर्शकों के द्वारा बहुत पसंद किया गया, और आपने इसके शॉर्ट्स या रील्स कहीं ना कहीं जरूरी देखे होंगे। अगर इस वेब सीरीज की कहानी की बात करें, तो इसकी कहानी फॉलो करती है सनम को, जिसे उसके पेरेंट्स के द्वारा दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, या तो वो अरेंज मैरिज कर ले या एक अच्छा सा जॉब ढूंढ ले। तो इसके बाद अब वह एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करने लग जाती है, और कुछ समय बीतने के बाद ही वह अपने बॉस के प्यार में पड़ जाती है, और इस वेब सीरीज की कहानी यहीं से आगे बढ़ती है, जिसमें आपको प्यार, नोकझोंक, पागलपन सब कुछ देखने को मिलता है, और सच में इसे देखना काफी रोमांटिक और क्यूट होता है। अगर आपको प्यार में नोकझोंक या तकरार देखना पसंद है, तो यह वेब सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी। यह MX प्लेयर पर हिंदी में अवेलेबल है, जिसमें टोटल 161 एपिसोड्स हैं। हमारे लिस्ट में 2nd नंबर पर है प्यार लफ्जों में कहां। यह एक तुर्किश ड्रामा रोमांस वेब सीरीज है। ऐसा हो सकता है कि आपने यह वेब सीरीज नहीं देखी हो, पर इस वेब सीरीज के छोटे छोटे क्लिप्स आपने कहीं न कहीं जरूर देखे होंगे। यह एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर तुर्किश ड्रामा वेब सीरीज है। अगर इसके प्लॉट को शॉर्ट में बताया जाए, तो यह बेसिकली कहानी है हयात की, जिसे उसके कंपनी के बॉस मुराद से काफी नोकझोंक और ड्रामे के बाद प्यार हो जाता है। यह वेब सीरीज इन्हीं के लव, ड्रामा, कॉमेडी और इनके बीच के नोकझोंक को दिखाती है। यह हमारे लिस्ट की 2nd वेब सीरीज है, जो प्यार में नोकझोंक और तकरार को दिखाती है, जिसे देखना काफी मजेदार और रोमांटिक होता है। अगर आप एक तुर्किश ड्रामा रोमांस वेब सीरीज देखना चाहते हैं जो आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट ना करे, तो आप इस वेब सीरीज से शुरुआत कर सकते हैं। यह MX प्लेयर पर हिंदी में अवेलेबल है, जिसमें टोटल 110 एपिसोड्स हैं। और हमारे लिस्ट में 1st नंबर पर है एंडलेस लव। यह एक ड्रामा रोमांस पर बेस्ड वेब सीरीज, जो कहानी है मिडिल क्लास फैमिली के एक लड़के केमल की, जिसे एक लड़की नहान से प्यार हो जाता है, पर उनके क्लास डिफरेंस के कारण उन दोनों का मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसके बावजूद वह किसी तरह से एक दूसरे से मिलते हैं, पर उनका ये मिलना बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं होता है, क्योंकि केमल अपने कैरियर के लिए शहर छोड़कर जा रहा होता है। इस बात से बिल्कुल अनजान की नहान की शादी जबरदस्ती कराई जा रही है। अब 5 साल बीतने के बाद वह अपने पास्ट को फेस करने के लिए वापस आता है, और इस वेब सीरीज की कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें आपको लव, रोमांस, क्राइम सब कुछ देखने को मिलता है। इस वेब सीरीज के टोटल 2 सीजन है, जो MX प्लेयर पर हिंदी में अवेलेबल है, और इसमें टोटल 209 एपिसोड्स हैं। तो हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा, और आपने इनमें से कौन कौन सी वेब सीरीज देख ली है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।